फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम से शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड का आईपीओ रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये कंपनी है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ब्रांड है या ये कैसा नाम है, ये कंपनी तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। तो एक्चुअली ये कंपनी इज एसोसिएटेड विद द ब्रांड नाइका, विच मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी अवेयर, राइट? तो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक द कॉन्टेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज इट रियली एनकरेजेस मी एंड इट हेल्प दिस वीडियो टू रीच टू लार्जर ऑडियंस। नाउ आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ये वीडियो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर दिस IPO, प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड देन ओनली डिसाइड दैट वेदर यू वॉन्ट टू अप्लाई इट और नॉट। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि ये आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर कंपनी के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट के बारे में देखेंगे, कंपनी प्रोस्पेक्ट के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे एंड देखेंगे कि वेदर इट मेक्स सेंस टू अप्लाई फॉर दिस IPO और नॉट। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सो गाइस चलिए पहले कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कंपनी 2012 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय फाल्गुनी नायर। सो फाल्गुनी नायर, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो शी वॉज एक्चुअली एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर इन आई थिंक कोटक बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो शी वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड हैड अ विजन यू नो टू स्टार्ट अ ई कॉमर्स बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन एंड हियर इज नायका फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाइड है एंड इट इज़ इनटू ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फैशन प्रोडक्ट्स एंड इसके अंदर मिक्स्ड है। ओके, इसमें डोमेस्टिक ब्रांड भी है, इसमें फॉरेन ब्रांड भी है और इसमें कंपनी ओन्ड ब्रांड भी है। तो ये सारे टाइप के ब्रांड जो है उसके अंदर ये कंपनी डील कर रही है और इन सारे टाइप के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ये अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर्स पे बेचती है। ओके, नाउ नायका जो है ना वो मेजरली टू प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करती है। तो पहला जो है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड दूसरा है फैशन। तो फैशन में अपैरल्स भी आ सकते हैं और एक्सेसरीज जैसे जो ज्वेलरीज एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं वो आती हैं। ओके, तो दीज आर द टू मेन यू नो ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये कंपनी जो है ना वो अक्रॉस लाइक मेकअप, स्किन केयर, हेल्थ केयर, बॉडी बाथ एंड फ्रेग्रेंस रिलेटेड जो है ना इन सारे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 2,644 टाइप के ब्रांड्स प्रोवाइड करती है। ओके, आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्ट्स लाइक नॉट 2,600 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बट मैं कह रही हूँ ब्रांड्स एंड विद इन दिस ब्रांड्स तो कितनी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होगी वी गाइस कांट इवन इमेजिन। ओके, तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि नायका कैसे ऑपरेट करता है तो जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है? अमेजोन में क्या होता है कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अमेजोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, राइट? बीच का मतलब मिडिल मैन, इट्स लाइक अ मिडिल मैन। बट नायका ऐसे नहीं कर रहा है। इट इज नॉट लाइक कि अगर आपको लैक्मे की लिपस्टिक खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल तो आपको लिपस्टिक लैक्मे से खरीदने मिलेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। या कोई और सेलर नहीं है, नायका खुद प्रोक्योर करता है मटेरियल्स एंड देन आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो ना नायका में कोई लिपस्टिक का या कोई ड्रेस का या कोई भी XYZ मटेरियल का तो नायका उसे सेल करता है आपको। तो ओके, द प्लेटफॉर्म इज नॉट एक्टिंग एज अ मिडिल मैन हियर, द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज अ सेलर टू द बायर्स लाइक अस। ओके, आई होप इट्स क्लियर दैट हाउ नायका इज ऑपरेटिंग। नाउ इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर सब टाइप के ब्रांड है, जैसे कि डोमेस्टिक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स है। ओके, नाउ दो चैनल के थ्रू ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। नाउ अगर अपन ऑनलाइन चैनल की बात करें तो एज ऑफ 31st August 2021, अगर 5 months का देखें, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 months का अगर आप देखें तो एज ऑफ दिस डे 55.8 million यू नो नायका एप्लीकेशंस वर डाउनलोडेड ऑन सेलफोन्स। ओके, तो इतने लोगों ने सिर्फ इन 5 महीने में नायका का एप्लीकेशन अपने सेलफोन पे डाउनलोड किया है। एंड अगर आप 31st August 2021 की GMV देखें, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, तो जिनको नहीं पता है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होता है, तो इट इज लाइक अ ग्रॉस सेल्स विच इंक्लूड्स टैक्स, विच इंक्लूड्स एनी डिस्काउंट। तो ये ग्रॉस है, इट इज नॉट अ नेट फिगर। तो एज ऑफ 31st August 2021
88% ऑफ द कंपनीज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो थी ना वो ऑनलाइन सेल्स के थ्रू होती है, एंड ऑफलाइन के थ्रू रिमेनिंग यू नो वो जो भी 12 और लेस देन 12% जो है वो आ रही है ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू. ओके, नाउ अगर अपन ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो एज ऑफ 31st August 2021 कंपनी के 80 फिजिकल स्टोर्स थे इन 40 डिफरेंट सिटीज. ओके, नाउ अगर आप स्टोर्स की कैटेगरी देखें ना तो थ्री टाइप के स्टोर्स है इस कंपनी के. ओके, फर्स्ट इज नायका लक्स एंड दैट इज लाइक लग्जरी स्टोर जिनके अंदर है ना लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड्स खरीदने मिल सकते हैं. तो ऐसे नायका लक्स ब्रांड जो है वो 38 हैं अक्रॉस इंडिया. सो आई एम नॉट श्योर हाउ एग्जैक्टली यू नो यू आर सपोज टू प्रोनाउंस दिस लक्स, बट आई एम कॉलिंग इट लक्स. आई एम प्रिज्यूमिंग ई विल बी साइलेंट हियर. ओके, नाउ सेकेंड वन इज नायका ऑन ट्रेंड. तो इस टाइप के स्टोर जो हैं वो कंपनी के 32 स्टोर्स हैं इंडिया में. अब इन स्टोर्स के अंदर क्या मिलता है, इन स्टोर्स के अंदर मिलता है जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, जो अप एंड रनिंग ट्रेंड है, उसके हिसाब की चीजें मिलती हैं इस स्टोर में. एंड थर्ड जो है वो नायका कायोस्क है. तो कायोस्क क्या होता है, जैसे कि मॉल्स वगैरह में आपने देखे होंगे कि वो एक यू नो एक सिर्फ एक डेस्क टाइप लेके बैठ जाते हैं एंड यू नो दे ट्राई टू आंसर पब्लिक्स क्वेरी. अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप वो कायोस्क डेस्क पे जाके इंक्वायर कर सकते हो. तो समथिंग लाइक दैट. और इस कायोस्क के थ्रू वो अपने जो सेल्फ ओन ब्रांड है वो सेल करती है. ओके, तो कंपनी जो है ऐसे 9 कायोस्क ऑपरेट कर रही है थ्रू आउट द इंडिया. ओके, नाउ कंपनी के खुद का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब खुद के जो सेल्फ ओन ब्रांड्स हैं वो 15 है. नाउ कंपनी के जो रेवेन्यू है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 89% जो है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू आती है, 10% सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू आती है एंड 1% अदर रेवेन्यू है. ओके, नाउ इंडस्ट्री आउटलुक की तरफ आते हैं. तो एक्चुअली में जो टोटल मार्केट है ना बीपीसी का, उसकी जो सेल्स होती है उसका ओनली 8-10% इज कमिंग फ्रॉम ई कॉमर्स राइट नाउ. ओके, बाकी सब जो है वो लोकल एंड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, तो इट इज नॉट डन थ्रू ई कॉमर्स. तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा उसके अंदर स्कोप है टू गेट ऑनलाइन सेल्स फॉर यू नो बीपीसी रिलेटेड प्रोडक्ट. ओके, नाउ यही सेम चीज अगर आप है ना चाइना और US में देखें तो ऑलमोस्ट जो बीपीसी प्रोडक्ट की जो टोटल सेल होती है उसमें से 20-25% इन केस ऑफ US एंड 35-40% इन केस ऑफ चाइना इज सोल्ड थ्रू ई कॉमर्स. ओके, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में भी 8-10% है एंड अदर कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखो तो 20-40% तक का रेंज है. ओके, सो इंडिया स्टिल हैव लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉन्ग वे टू गो. नाउ अगर आप इंडिया में देखो ना तो जो फैशन मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड चैनल के थ्रू ज्यादा ऑपरेट करता है एंड लोग अभी भी ज्यादा अपने अपैरल्स फुटवेयर्स एक्सेसरीज वगैरह वगैरह कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए ज्यादातर लोकल स्टोर्स में जाते हैं एज कम्पेयर टू यू नो गेटिंग इट थ्रू ई कॉमर्स. तो धीरे धीरे जैसे जेनजी एंड मिलेनियल्स यू नो दे आर कमिंग इन टू पिक्चर एज एन हाउ दे आर ग्रोइंग, वैसे वैसे ई कॉमर्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है एंड यू नो ई कॉमर्स के थ्रू ये सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी. दैट इज द एंटिसिपेशन इन द मार्केट. नाउ कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी जो है ना धीरे धीरे फिजिकल स्टोर्स और एक्सपैंड करने का सोच रही है विद इन इंडिया वन थिंग एंड इवन टू टैप इंटरनेशनल मार्केट बाय ओपनिंग देयर स्टोर्स यू नो वर्ल्ड वाइड. ओके, नाउ दिस कंपनी इज कॉन्स्टेंटली ऑल्सो यू नो थ्रू इट्स एडवर्टीजमेंट ऑडियो वीडियोज वगैरह वगैरह इनके खुद के यूट्यूब चैनल्स भी है तो उसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स यूज करके दिखा रहे हैं एंड उन प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोट किए जा रहे हैं कि वो लोग ज्यादा ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, न्यू कस्टमर्स अक्वायर कर सके, प्लस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी अपने ब्रांड की तरफ बनाए रख सकें. नाउ ये कंपनी खुद का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी वाइडन करने का ट्राई कर रही है एंड इट इज प्लानिंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स टू कस्टमर्स. प्लस इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू यू नो enter into long-term relationship with other well-known brands so that it can tap new markets. Okay, now coming to the peers of the company, तो there are no listed peers for this company. Okay, नायका जो है उसका पहला ही ऐसा IPO जो अपने ऑनर में निकलेगा, बट अनलिस्टेड स्पेस में नायका के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं एंड दीज आर लाइक वेल नोन कॉम्पिटिटर्स लाइक Amazon, Flipkart, Paytm Mall, Myntra, Purple, MyGlam. Now coming to the financials of the company,
तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, लाइक FY19 से FY21 से अगर आप कंपेयर करो तो, एंड जो इसकी रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल के अंदर हैज ग्रोन एट अ केगर ऑफ 48%। सो अगर बॉटम लाइन की बात करें तो 3 में से 2 साल कंपनी लॉस में थी, एंड ओनली इन लास्ट ईयर इट हैज स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट, एंड इसका मार्जिन भी अभी अगर आप देखोगे तो कम ही है, इट इज 2.53%। बट एक देखने वाली बात ये है कि अगर आप इस क्वार्टर का, जैसे जून 30 के रिजल्ट्स अगर आप देखो, तो ये मार्जिन जो है वो डिक्रीज हुआ है। फ्रॉम 2.53% इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट मच ऑफ मार्जिन फॉर दिस क्वार्टर, एंड मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वेदर इट विल बी एबल टू सस्टेन दीज मार्जिन विच इट हैज अचीव्ड लास्ट ईयर और नॉट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि नायका जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर रिजीम। एंड द नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज कि कंपनी जो टॉप लाइन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, एंड जो बॉटम लाइन है वो भी प्रॉफिटेबल होने लगी है। नाउ लेट्स क्विकली सी द रिस्क फैक्टर्स इन द कंपनी। तो एक बात तो ये है कि कंपनी के बहुत लंबे चौड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं एंड स्ट्रेटेजीज हैं, बट वॉट इफ दोज डोंट वर्कआउट? सो दैट इज वन रिस्क दैट कंपनी इज एंटिसिपेटिंग कि वो अपने एक्सपेंशन के थ्रू और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है या और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, बट इफ दोज स्ट्रेटेजीज डज नॉट वर्कआउट एज दे हैव इंटेंडेड और एज दे हैव प्लान्ड, देन सब कुछ चौपट हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर कंपनी फेल्स टू अक्वायर न्यू कंज्यूमर्स फॉर इटसेल्फ एंड दैट टू इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, देन वो अपनी टॉप लाइन इंक्रीज नहीं कर पाएगी एंड नाइदर बॉटम लाइन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपनी की जो है ना मेजोरिटी ऑफ द सेल्स जो आ रही है वो ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू आ रही है, जैसे कि हम सबने देखा है। बट अगर फ्यूचर में कुछ भी ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज आती है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे, तो उसका सीधा इम्पैक्ट नायका पे डेफिनेटली पड़ने वाला है और बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है, राइट? नाउ नेक्स्ट रिस्क इन दिस कंपनी इज दैट कंपनी के अगेंस्ट कुछ पेंडिंग लिटिगेशंस है कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी के अगेंस्ट बेसिकली, एंड एनी एडवर्स आउटकम इन दीज प्रोसीडिंग्स इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक नायका लायबल टू शेल आउट मनी। तो ये एक नेगेटिव चीज हो सकती है कंपनी के लिए। नाउ द नेक्स्ट रिस्क अबाउट दिस कंपनी इज दैट अगर कोई रेगुलेशंस आए या न्यू रेगुलेशंस आए, चेंज हुए कोई रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू ई कॉमर्स बिजनेस और द वे द कंपनी इज ऑपरेटिंग, तो ऑब्वियसली दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। नाउ अनदर वन थिंग, आई विल नॉट से दैट इट इज रिस्क, बट इट इज समथिंग दैट विल बी कीप ट्रैकिंग इफ एट ऑल यू गेट द शेयर्स ऑफ नायका, एंड दैट इज ये कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एज सच प्लेजिंग की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है प्रमोटर्स को इफ दे वॉन्ट टू गिव इट एज अ सिक्योरिटी टू गेट लोन। सो बेसिकली दे प्लेज इट टू गेट लोन, बट प्लेजिंग फ्यूचर में कभी भारी भी पड़ सकता है कंपनी पे। अगर सपोज कंपनी ने डिफॉल्ट किया लोन पे करने में, तो जो प्लेज शेयर्स है बैंक के पास, बैंक उनको ओपन मार्केट में रिलीज कर देगा, एंड ऑब्वियसली इन द फ्यूचर अगर बहुत सारे शेयर एक साथ ओपन मार्केट में आते हैं तो प्राइजेस फॉल होंगे क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया, राइट? तो ये एक चीज है जो नोट करने वाली है एंड फ्यूचर में ध्यान देने वाली है कि कंपनी के प्लेज शेयर्स है ना। कंपनी के आरएचपी में और भी रिस्क मेंशन थे जो कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉल आउट नहीं कर रही हूँ, तो उन डिटेल्स के लिए आप कंपनी का आरएचपी जरूर से एक बार पढ़ लें। अब आईपीओ डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो कंपनी का आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 28 अक्टूबर को, एंड आईपीओ जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 1 नवंबर 2021 को। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है ऑन द लोअर साइड इट इज 1085 एंड ऑन द हायर साइड इट इज 1125। तो इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू अप्लाई, प्लीज ट्राई टू पुट द हायेस्ट प्राइस सो दैट द चांसेस विल इंक्रीज ऑफ योर अलॉटमेंट। नाउ मार्केट लॉट इज 12 शेयर्स, तो मिनिमम आपको 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ, एंड द कंपनी विल बी लिस्टेड ऑन बोथ बीएसई एंड एनएससी। नाउ कंपनी का जो इश्यू साइज है वो है 5,351.92 करोड़, इसमें से ओनली 630 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, रिमेनिंग 4,721.92 करोड़ जो है वो ओएफएस है, दैट इज ऑफर फॉर सेल
विच मीन्स दैट इसकी जो प्रोसीड्स हैं वो प्रमोटर्स के पास जाएंगी या ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। नाउ अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेट प्रोसीड्स, तो उसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज प्लानिंग टू यू नो डू सम इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी लाइक FSN ब्रांड्स, नायका फैशन अप टू द एक्सटेंड ऑफ 42 करोड़, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर न्यू वेयर हाउस 42 करोड़, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स 156 करोड़, एंड यू नो क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट एंड एनहेंसिंग द ब्रांड विजिबिलिटी उसके लिए 234 करोड़, एंड रिमेनिंग दे विल बी प्लानिंग टू पुट इन अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। ओके, नाउ कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो लाइक हमने देखा कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 1085 से लेके 1125 तक है। तो अगर हम हायर प्राइस बैंड की बात करें और एवरेज ईपीएस को ले, दैट इज 0.44, तो पी जो वर्कआउट करता है वो 2556 करता है। एंड अगर आप एक्चुअली सिर्फ FY21 का ईपीएस ले तो आपका जो पी आता है वो 839 टाइम्स आता है, विच इज अगेन वेरी बिग। ओके, सो ऑन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो पी का बैंड है वो 839 to 2556 टाइम्स है। तो एक्चुअली देर इज नो लिस्टेड कॉम्पिटिटर फॉर दिस कंपनी, तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी के साथ टू से दैट वेदर इट इज ऑन अ हायर साइड और नॉट। बट इन जनरल रैशनली भी अगर आप सोचो तो मुझे ये पीई बहुत 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 ही ज्यादा लग रहा है। ओके, नो कमिंग टू द GMP ऑफ दिस कंपनी, तो अगर किसी को GMP नहीं पता तो GMP इज बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ऑफलाइन मार्केट में कितने प्रीमियम पे ये पर्टिकुलर शेयर ट्रेड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने जब लास्ट चेक किया था तो इसका GMP था 670। ओके, सो इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, एंड इतना अच्छा GMP है विच क्लियरली शोज के देर आर वेरी हाई चांसेस के यू नो इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। ओके, वेरी हाई चांसेस अगेन। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, ओके, नाउ हमें पता है कि नायका एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, लाइक इट्स अ वेल नोन ब्रांड यू नो इन आईज ऑफ पीपल। वी हैव सीन के ये अब इसकी जो टॉप लाइन है वो तो ग्रो कर ही रही थी, लेकिन अब ये इसका जो पैट है वो भी पॉजिटिव होने लगा है, विच इज अ गुड सिग्नल। प्लस हमने देखा कि इसका GMP भी बहुत हाई है, दैट इज 670। ओके, सो इट्स वेरी हाई। तो इन सबको देख के ये चांसेस तो बहुत हाई है कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स हो ही सकते हैं। ओके, बट इतने अट्रैक्टिव GMP के बाद हमें इसके फाइनेंशियल्स भी एक बार गौर से देखने चाहिए। हमें इसका यू नो पी वैल्यूएशन जो हमें दिख रहा है वो मुझे इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है। सी, हमने इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखा था, एक तो वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, प्लस इसका प्रॉफिट मार्जिन भी एज सच अभी कोई हाई नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो धीरे धीरे और बेटर होगा बिकॉज उसके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो देर आर वेरियस अदर रेशियोज विच आई वॉज चेकिंग एंड दोज वर इन फेवर ऑफ कंपनी। तो हाई चांसेस है कि फ्यूचर में धीरे धीरे इसकी सेल्स और बढ़े। ओके, बट दैट इज वन थिंग जो फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होगा यू नेवर नो। सी, एंट्री मुझे अगर लेनी है तो मैं फ्यूचर में भी जाके ले ही सकती हूँ ना। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो तो लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आई वुड नॉट प्रेफर दिस कंपनी। एंड व्हाट आई कैन डू इज मैं फ्यूचर में री एनालाइज कर सकती हूँ, एंड मुझे फिर अगर वर्थ लगे यू नो कंसिडरिंग द पीई इट इज कमांडिंग अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स दैट आई वुड सी एट दैट टाइम एंड द फाइनेंशियल्स आई वुड सी एट दैट टाइम, देन आई माइट थिंक टू टेक एन एंट्री। ओके, देर इज नो हार्म यू नो लेटर इन टेकिंग द एंट्री, बट अभी मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई पूछे तो नायका आई फील इज नॉट समथिंग that I would bet upon. So that's all guys from my side. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड ये वीडियो आपको एक informed decision लेने में help कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे thumbs up जरूर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। I'll see you with more such interesting content in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.